नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा, 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जदयू नेता व मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में शर्म नहीं आती, जेल में रहना शर्मनाक लगता है। राबड़ी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बढ़ा दी है बेरोजगारी। तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार ने थामा जदयू का दामन, ललन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, मंगलवार को 18 सीटों की जारी की सूची। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिया निर्देश, कहा कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करें चुनाव की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति उठापटक का दौर शुरू, जीतन ने जताया एनडीए के लिए प्रेम। जीतन राम मांझी का एनडीए में आज शामिल होने का टला कार्यक्रम, गुरुवार को एनडीए का हिस्सा बनने की कर सकते हैं घोषणा। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में हुआ बड़ा खुलासा, अपने बैंक से लिंक मोबाइल नंबर बदलना चाहते थे सुशांत। सुशांत को अपने खातों में होने वाले ट्रांजैक्शन की नहीं थी जानकारी, सुशांत का कोटक महिंद्रा बैंक में भी था बैंक अकाउंट। समस्तीपुर विथान थाना के दारोगा अवधेश सिंह का शराब पीते हुए फोटो वायरल, एसपी विकास वर्मन ने दारोगा को किया सस्पेंड। समस्तीपुर से दिल्ली जा रही घर में घुसी तेज रफ्तार बस, ट्यूशन पढ़ रहे 8 बच्चे घायल। जोरदार आवाज और चीख पुकार से आसपास में मचा भगदड़, घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड और ओडिशा के काजी शरीयत मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, अपने आवास पर ली अंतिम सांस। जेई और नीट परीक्षा के आवागमन के लिए शुरू हुई 40 ट्रेनें, मालदा भागलपुर जमालपुर रेलखंड को नहीं मिली एक भी ट्रेन। बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना का कहर, इलाज के दौरान 15 कोरोना मरीज की मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुआ  709। बिहार में बाढ़ की तबाही का जायजा लेने आज आ रही है 6 सदस्यीय टीम, बाढ़ प्रभावित जिलों का करेगी दौरा। भागलपुर तिलका मांझी चौक स्थित एक दुकान में 60,000 सहित सामान की चोरी, छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर सड़क किनारे ठेला लगाने वालों के खिलाफ कल चलेगा नगर निगम का डंडा, नगर निगम की मांग पर एसडीओ ने पुलिस उपलब्ध कराने की दी स्वीकृति। भागलपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, डीएम ने 4 सितंबर से सघन जांच अभियान चलाने का दिया आदेश। मुहर्रम के मौके पर शाहजंगी मैदान में निकाले गए जुलूस में केस दर्ज, एसएसपी के आदेश पर 25 नाम दर्ज, 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना संकट को देखते हुए भागलपुर सिविल कोर्ट की 22 सितंबर तक बढ़ाई गई वर्चुअल सुनवाई, जिला जज ने जारी किया आदेश। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को करेंगे शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 8 मेगा योजनाओं का होगा कार्य आरंभ। मुंगेर में नक्सलियों के लिए पुलिस मुखबिरी करने वाला एरिया जोनल कमांडर का रिश्तेदार गिरफ्तार, एसडीपीओ संजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने चुनाव और त्यौहार को लेकर 46 बदमाशों के खिलाफ सीसीए का डीएम को भेजा प्रस्ताव, 200 से अधिक बदमाश किए गए चिन्हित। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।